नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट 2020 के लिए साइकोलॉजी का चैप्टर। और आज से पूरा क्लास आपका चलता रहेगा कंटिन्यू ऑनलाइन, पूरा बाल विकास भी पूरा पढ़ा देंगे और ईवीएस भी, और जो उसमें आती है हर सेक्शन में 15-15 नंबर का पैडागॉजी उसके लिए भी अलग से आपको वीडियो बना के दे देंगे। और इस बात की एकदम गारंटी भी देंगे आपको कि जो भी एकदम पढ़ाएंगे जहां जहां बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है उसको विशेष तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि हमेशा जो सीट का सिलेबस होता है कुछ टॉपिक उसे हमेशा फिक्स है क्वेश्चन आने को होता है। और देखिए आज से स्टार्ट करते हैं, इससे पहले भी यूट्यूब पर कुछ वीडियो भी होंगे लेकिन आज से फिर से नया सेशन स्टार्ट करते हैं। और एक वीडियो को ध्यान से देखते जाइए और जहां जहां बताएं कि नोट कर लीजिएगा वहां वहां कामी पर जरूर उसको लिख लीजिए क्योंकि बहुत काम की चीज है। और पेडागॉजी की भी क्लास लेंगे और पेडागॉजी के लिए आपको एकदम गारंटी देंगे कि 75 नंबर का जो आता है पेडागॉजी वो पूरा पूरा कर जाएंगे। पर देखिए पहले थोड़ा सा समझते हैं कि साइकोलॉजी है क्या और कब से आई और इसका मतलब जो सोर्स क्या है और इसका जो मतलब इसका हिंदी में रूपांतरण होता क्या। देखिए साइकोलॉजी को ऐसे भी जानते हैं कि क्या बोलते हैं मनोविज्ञान का आता है, क्या बोलते हैं इसको मनोविज्ञान। एक बात याद रखिएगा, साइकोलॉजी का जो मतलब सोर्स है वो क्या है, दर्शन फिलोसफी। साइकोलॉजी को किससे निकाला गया है तो दर्शन से निकाला गया। ये एक एक्चुअली एक विषय थी नहीं, मतलब जो सोर्स देखिए अधिकांश जो है ना सोर्स सब्जेक्टों का वो क्या है हमारा दर्शन होता है, दर्शन से हम उसको निकालते हैं। और देखिए जो साइकोलॉजी ये भी किसका भाग है, दर्शन से इसको निकाला गया है। इसका सोर्स क्या है, फिलोसफी। देखिए दर्शन से निकाला गया है साइकोलॉजी। अब देखिए साइकोलॉजी है क्या, मनोविज्ञान तो इसको कहते हैं क्या, सामान्य इसको बोलते हैं कि मन का अध्ययन, क्या बोलते हैं इसको मन का, इसको मतलब समय तक कहा जाता है कि क्या होता है साइकोलॉजी, मन का अध्ययन होता है। और ऐसे भी मतलब इसको यदि हिंदी में रूपांतर करेंगे मनोविज्ञान तो क्या होगा, मन का विज्ञान या मन का अध्ययन करना, ऐसे सामान्य भाषा में इसको कहा जाता है मनोविज्ञान। लेकिन पहले समझते हैं कि देखिए पहले इसका जो अंग्रेजी रूपांतरण होता है साइकोलॉजी वो कैसी भाषा है, तो लैटिन भाषा है। और लैटिन भाषा में ये साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, साइची बोलते हैं इसको, इसको लॉजिया, इसको पढ़ते हैं साइची, इसको लॉजिया, दोनों को मिलाकर क्या बना है साइकोलॉजी। तो देखिए साइची का मतलब क्या होता है, सोल या आत्मा, क्या होता है आत्मा। आप प्लस लॉजिया का मतलब क्या होता है, स्टडी या अध्ययन। एक बात और जानेंगे कि जब साइकोलॉजी का मतलब निकालेंगे और मनोविज्ञान का तो दोनों में अंतर हो जाता है। जैसे देखिए मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, मन का अध्ययन या मन का विज्ञान, और साइकोलॉजी का अध्ययन क्या होगा, आत्मा का अध्ययन, क्या हो जाएगा इसका, हाँ साइची मतलब आत्मा, लजिया मतलब अध्ययन, तो क्या हो जाएगा आत्मा का अध्ययन। ऐसे देखिए अगर साइकोलॉजी को कहा जाए तो क्या होता है, मन का अध्ययन या आत्मा का अध्ययन। एक बात और याद रखिएगा, जो होता है शब्द प्रयोग होता है साइकोलॉजी में मन, उसे विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं, मस्तिष्क कहा जाता है। ये मत समझिएगा कि नहीं, कि यदि कहीं मन का अध्ययन का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का अध्ययन होता है वो, क्योंकि साइकोलॉजी में जो कभी भी ये सब नहीं प्रयोग होता है मस्तिष्क, हर जगह क्या प्रयोग होगा, मन प्रयोग होता है। अब देखते हैं एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे रुडोल्फ गोकेल, इसका नाम याद रखिएगा। ये देखिए सीरियल के दृष्टि से तो ऐसा भी इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं लेकिन यूपीटर की यदि बात करें तो हमेशा ये सब वैज्ञानिकों के नाम देखकर पूछ देता है। तो देखिए एक जर्मन के थे मनोवैज्ञानिक, उनका नाम था रुडोल्फ गोकेल। इनका मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए थे कि सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का नाम इन्होंने प्रस्तुत किया था। सबसे पहले जो मनोविज्ञान शब्द का नाम पूछता है कि सबसे पहले कौन प्रस्तुत किया था, तो कौन था, रुडोल्फ गोकेल, यही थे। इनका कार्यकाल था 1547 से 1628 ईस्वी, ये कहाँ के थे, जर्मन के थे। और फिर देखिए इन्होंने सबसे पहले जो शब्द बताया था कि साइकोलॉजी शब्द दिया था तो क्या बताया था कि किसी भी प्राणी की आत्मा का अध्ययन क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। क्या बताया था कि आत्मा का अध्ययन क्या होता है, मनोविज्ञान कहलाता है साइकोलॉजी। अब देखते हैं
तो एक बात और याद रखिएगा, जब सबसे पहले जब आई थी साइकोलॉजी, उस समय मन का विज्ञान था, तो हर समय समय अलग अलग साइकोलॉजिस्ट थे, इसको अलग अलग तरह से डिफाइन करते गए। कुछ कुछ व्यवहार का अध्ययन बोले, कुछ अचेतना का अध्ययन बोले, कुछ आत्मा का अध्ययन बोले, कुछ मन का अध्ययन बोले, इसीलिए उनका एक लिस्ट बना दी है ताकि कभी भी कंफ्यूजन नहीं होंगे कि इनका जो क्रम होता है वो कैसे ध्यान देना है। देखिए इसको मिटा देते हैं, पहले बस बेसिक बेसिक समझ लीजिए, बाकी तो जब मेन टॉपिक आएगा तो उस पर क्वेश्चन बहुत जबरदस्त कराएंगे। देखिए फिर इसके बाद देखिए एक प्लेटो है, प्लेटो इनके अनुसार क्या है, तो प्लेटो के अनुसार क्या है, मनोविज्ञान क्या होता है, आत्मा का अध्ययन क्या होता है, मनोविज्ञान इन प्लेटो के अनुसार आत्मा का अध्ययन क्या होता है, आत्मा का अध्ययन। फिर इसके बाद आते हैं, देखिए फिर इसके बाद आते हैं, जब मतलब समय सीमा की बात करें तो 1600 से 28 के बाद लगभग 1700 ईस्वी में जो उसी को बोलते हैं मध्यकालीन समय, ये साइकोलॉजी का समय है, इसको इतिहास मत करिएगा लेट, बस ये समझिएगा कि पहले आत्मा का अध्ययन था, फिर उसके बाद मध्यकालीन समय में इसका नाम दिया गया था मन का अध्ययन। लोगों द्वारा कहा गया था कि क्या होता है साइकोलॉजी, किसी भी व्यक्ति के यदि मन का अध्ययन किया जाए, और मन से क्या समझेंगे, मस्तिष्क का अध्ययन किया जाए, तो क्या है मनोविज्ञान कहलाता है। फिर देखते हैं, फिर इसके बाद विलियम जेम्स, जेम्स ली विलियम मुंट, इन सबका नाम याद रखिएगा, विलियम जेम्स जिसको साइकोलॉजी का जनक भी कहा जाता है, जेम्स ली और विलियम मुंट जो सबसे पहले प्रयोगशाला का निर्माण किया था, साइकोलॉजी लाइब्रेरी विलियम मुंट, तो इन तीनों ने क्या माना था कि जो आज जो साइकोलॉजी है मनोविज्ञान क्या है, चेतना का अध्ययन है, और चेतना से रिलेट करेंगे आत्मा को, तो इन तीनों ने क्या माना था कि जो क्या होता है मनोविज्ञान, चेतना का अध्ययन है। फिर इसको देखते हैं वर्तमान समय का जो परिप्रेक्ष्य है, अब देखते हैं इस समय की बात करें तो इस समय देखिए जो आधुनिक समय की जो बात करें साइकोलॉजी का, तो देखिए आधुनिक समय क्या है कि स्किनर है, वाटसन है, पावलो और वुडवर्थ है, इन सबका क्या मानना है, इन सबका मानना है कि जो भी होता है साइकोलॉजी या मनोविज्ञान वो किसी के आत्मे या मन का अध्ययन बल्कि व्यवहार का अध्ययन होता है। और याद रखिएगा वर्तमान समय में जो है इसका डेफिनेशन मेन मनोविज्ञान का वो भी यही है कि किसी भी प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करना है, क्या कहलाता है मनोविज्ञान कहलाता है। तो वर्तमान समय में क्या है मनोविज्ञान, व्यवहार का अध्ययन होता है, उसको कौन कौन माना था, तो स्किनर ने क्या बोला था कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का अध्ययन है, वाटसन भी माना है व्यवहार का अध्ययन है, पावलो भी माना व्यवहार का अध्ययन, और वुडवर्थ भी क्या माना है कि ये व्यवहार का अध्ययन होता है। इसको एकदम दिमाग में सेट रखिएगा, देखिए इसी से एक इनका सीरीज भी हमेशा बनता है, जिसको याद रखिएगा, देखिए बनता है पहले आत्मा का अध्ययन, सबसे पहले क्या था ये आत्मा का अध्ययन, फिर उसके बाद था मन का अध्ययन, फिर उसके बाद था चेतना का अध्ययन, फिर उसके बाद वर्तमान समय में व्यवहार का अध्ययन बना है मनोविज्ञान, व्यवहार का अध्ययन। इसको विशेष तौर पर अपने दिमाग में सेट रखिएगा कि यही इसका क्रम है, वर्तमान समय क्या है मनोविज्ञान, व्यवहार का अध्ययन होता है। अब इसके बाद देखते हैं, देखिए मनोविज्ञान की बात करें तो देखिए सबसे पहले जो मानव के व्यवहारों को सुव्यवस्थित ढंग से डिफाइन किया था वो कौन, देखिए तो जेम्स विलियम था। देखिए सबसे पहले लिखते जाइए पॉइंट के, सबसे पहले मानव चेतना और एवं व्यवहार को सुव्यवस्थित ढंग से विलियम जेम्स विलियम है जेम्स विलियम ने प्रस्तुत किया था, जेम्स विलियम
ने प्रस्तुत किया था इसलिए इसे मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। एक बात याद रखिएगा, साइकोलॉजी का यदि पूछ देगा जनक तो किसे बताएंगे? जेम्स विलियम है। और ये याद रखिएगा, जेम्स विलियम एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। ये यूक्रेन के दूसरे से बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। अमेरिकी से एक शिक्षक थे, ये भी याद रखिएगा, ये अमेरिका में क्या थे, एक शिक्षक थे। इसीलिए इनको, इन्होंने जो मनोविज्ञान है उसको सबसे पहले उनके चेतना और व्यवहार को सुव्यवस्थित ढंग से डिफाइन किया था, इसलिए इनको मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। लेकिन थोड़ा सा इसके बाद आते हैं, एक आता है स्टेनली हाल। स्टेनली हाल आता है, देखिए इन्होंने क्या किया था, ये 20 साल तक ले एक विद्यालय में बच्चों के साथ रहे और उनके जो भी उनके अंदर विकास है, उनके व्यवहार और उनके विकास को ध्यान देते गए। इसीलिए जो भी देखिए मनोविज्ञान का जनक माना जाता है जेम्स विलियम को। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछ देगा बाल मनोविज्ञान का जनक किसे मानते हैं, तो स्टेनली हाल को माना जाता है। एक बात और भी याद रखिएगा कि जो स्टेनली हाल था ये 20 साल विद्यालय में रहा है और जो बच्चे थे उनके विकास के बारे में ये भी अध्ययन करता गया। और जैसे विकास के बारे में अध्ययन किया तब तो इन्होंने प्रस्तुत किया था कि जो बालक का विकास होता है वो, देखिए थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि मतलब बालक का विकास, याद रखिएगा बालक की बात करें या फिर किशोर की बात करें तो बालक का विकास वातावरण में, वातावरण में स्वतः होता है। अभी आगे आएंगे तो भी बालक की अवस्थाओं में भी इन्होंने बताया है, क्योंकि आपको पहले बताया है कि 20 साल तक क्या किए हैं अमेरिका में, 20 साल तक ये बच्चों के साथ रह के उन पर अध्ययन किए हैं। और देखिए इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बाल मनोविज्ञान का जनक बोला जाता है, बाल मनोविज्ञान का जनक बोला जाता है। एक बार याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अति लघुत्तरी में शॉर्ट का भी एक क्वेश्चन पूछ देगा तो समझते रहिएगा बाल मनोविज्ञान क्या होता है। फिर इसी में आपको उसको समझा देते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, इसके बाद अगला टॉपिक चलेंगे। एक बात याद रखिएगा, ये सब सारे टॉपिक यदि क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो बस यूपी सीएट में क्वेश्चन ऐसे पूछता है, सीएट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। सीएट में जो क्वेश्चन आएगा वो भी आपको बताएंगे कि वो हमेशा पूछता है कि शिक्षा मनोविज्ञान से बालक है, या वो ऐसा क्वेश्चन देता है जो थोड़ा सा लेंदी हो, थोड़ा सा मतलब समझ पर डिपेंड करता हो। एक वर्ड और भी आता है उसको भी लिख लीजिए, ये भी जानते रहिएगा, स्टेनली हाल एक अमेरिकी थे, ये भी एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इसके बाद एक शब्द आता है बहुत इंपॉर्टेंट आता है, वो शब्द शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। इसे बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखिए तो नाम से यह स्पष्ट है कि कोई अलग नहीं है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान है क्या, कि यदि किसी भी प्राणी के व्यवहार का अध्ययन यदि क्रमबद्ध सुव्यवस्थित और सुसंगठित तरीके से किया जाए तो वही क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान है। और ये, और देखिए एक्चुअली जो बात करें तो साइकोलॉजी की ये सब पार्ट है। यदि कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि बाल मनोविज्ञान क्या है तो क्या बताएंगे, मनोविज्ञान का एक टॉपिक है। वैसे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है तो उसी का एक टॉपिक है। और सबसे पहले याद रखिएगा इसको सुव्यवस्थित ढंग से कौन बताया था शिक्षा मनोविज्ञान को, तो थॉर्नडाइक था। थॉर्नडाइक उसका नाम आता है जो अधिगम का क्रिया प्रसूत सॉरी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। तो ये जो शिक्षा मनोविज्ञान को सबसे
बेहतरीन तरीके से कौन बताया था, थॉर्नडाइक। और याद रखिएगा इसी की पुस्तक का नाम, इसकी एक पुस्तक है, पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। आज इसको कौन कब प्रस्तुत किया था, तो 1912-13 आता है, याद रखिएगा 1912-13 में थॉर्नडाइक ने सबसे पहले एक पुस्तक प्रस्तुत किया था शिक्षा मनोविज्ञान, और उसी में अपना अपना सिद्धांत भी दिया हुआ है, वो भी आगे आएगा, अब उस पर आएंगे अभी अधिगम पर। तो बस ये बात याद रखिएगा कि जो पुस्तक है शिक्षा मनोविज्ञान वो थॉर्नडाइक ने दिया था, उसी की पुस्तक का नाम है जो 1912-13 में ये प्रस्तुत किया था। अब देखिए इसके बाद हैं कि देखिए हमको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, बाल मनोविज्ञान। क्या पढ़ना है हमको, बाल मनोविज्ञान। अब देखिए तो जो पढ़ना है बाल मनोविज्ञान, तो एक बात याद रखिएगा कि बाल मनोविज्ञान को बोलते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी। इसको बोलते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी। ये आता है आपका उसकी पूरे का पूरा जो अवस्था बात करें तो जन्म से लेकर जो हमको पढ़ना है बाल मनोविज्ञान का, तो विकास प्लस अधिगम ये दोनों का दोनों पढ़ना है हमको, ये हमारा सिलेबस है। और कहां तक पढ़ना है, तो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, या इसी को यदि बोल देंगे तो उम्र की बात करें तो आ जाएगा 18 वर्ष तक। तो ये हमको पूरा विस्तृत अध्ययन करना है। अब देखते हैं इसके बाद आता है कि शुरुआत करते हैं यहाँ से, लिख लीजिए। सबसे पहले स्टेल निहाल ने बताया था कि जो बालक के विकास को दो पक्ष प्रस्तुत किया, लिख लीजिए स्टेल निहाल द्वारा बालक के विकास के दो पक्ष होते हैं, हालांकि पहला अभिवृद्धि। याद रखिएगा स्टेन निहाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड विकास। याद रखिएगा इसी को बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। याद रखिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यदि सीडर की सिलेबस की बात करें तो हर जगह लिखा होता है CDP, क्या होता है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड मतलब पेडागॉजी, तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, मतलब बालक के विकास और मनोविज्ञान। तो याद रखिएगा इसके दो पक्ष है, अभिवृद्धि और विकास। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन हमेशा सीडर में हमेशा आता है, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। इसको आज के लिए बस इतना ही, और हमेशा वीडियो आता रहेगा और एक एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात आपको पहले बता दी है कि जितना पढ़ा देंगे सीटेट में कोई फेल नहीं होगा, इस बात की एकदम गारंटी है। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें।